फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं स्पेशल ट्यूटोरियल। आज हम आपको नंबर सिस्टम में आगे पढ़ाने जा रहे हैं कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को बाइनरी में, तो आज जो आपको डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करने का तरीका है, प्रोसेस सेम टू सेम वही होता है चेंज करने का, बस इसमें हमारा 8 की जगह 16 आ जाता है। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, ऑक्टल में हम लोग 8 का यूज़ करते थे, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 16 का। 16 इसलिए क्योंकि जो हमारा हेक्साडेसिमल का बेस होता है वो 16 होता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हेक्साडेसिमल को कैसे, डेसिमल को कैसे हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। ओके, तो आइए अब आपको कुछ इसमें नियम बताते हैं, जो कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डेसिमल से बाइनरी वाली विधि बस 2 की जगह 16 या फिर 8 की जगह 16 से, जो फ्रैक्शंस होंगे भिन्न वाले संख्या होंगे उनको बदलने के लिए जो डेसिमल पॉइंट होता है उस संख्या को हमें हेक्सा बदलना होगा, तो जो डेसिमल पॉइंट होगा उसको हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्राप्तांक पूर्णांक हमें मिलेगा 1 या 0 उसको दाई तरफ लिखेंगे, उसको 16 से तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक कि भिन्नांक हमारा 0 या फिर हमारा जो भी इच्छित जो भी पॉइंट होगा, हमारा डिजायर जो भी पोजिशन होगा तब तक ना आ जाए। ठीक है, पूर्णांक को ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, मतलब हमारा जो भी ये आता है दशमलव संख्या में पूर्णांक आता है 0, 1 या जो भी वैल्यूज आते हैं वो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। ओके, क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेंज करते हैं एग्जांपल के थ्रू डेसिमल से। तो इसमें हम आपको एक वैल्यू देता हूँ 2863.225. ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, सॉरी ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हमें किसमें चेंज करना है, हेक्सा में। ठीक है, इसको किसमें चेंज करना है, हेक्सा में। इसमें आप देखोगे कि दो नंबर है, एक हमारा इंटीजर है मतलब पूर्णांक है, और ये हमारा फ्लोट वैल्यू है जो कि हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। तो जो हमारा इंटीजर वैल्यू होता है उसको हम लोग पूर्णांक आपको बताते हैं, जैसे कि समझने में समय, और ये भिन्नांक। ठीक है, तो हम सबसे पहले पूर्णांक वैल्यू को लेते हैं। पूर्णांक वैल्यू को वैसे ही निकालेंगे जैसे कि हमने डेसिमल को बाइनरी में निकाला, बाइनरी को डेसिमल में, उसके बाद हमने आपको डेसिमल को हमने ऑक्टल में चेंज किया था, हम उसी तरह से हम इसको चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2863, एक टेबल बना लेंगे सिंपली। ओके, इतना समझ में आ गया, वही प्रोसेस है जो हमने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम टू सेम वैसे ही, बस इसकी जगह पे हमने 16 लिखना है। ठीक है, 16 का टेबल हमें पढ़ना है 2863, 16 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक या तो 2863 या फिर उससे नीचे। तो हम 16 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो ये आता है 16 में यहाँ पे 1 टाइम, उसके बाद 16 7 जा, और फिर हमारा 178। ये हमने चूँकि कैलकुलेशन किया हुआ है तो हमें रटा हुआ है ये क्या है इसका। ठीक है, तो हमने 16 में 2863 को हमने 16 से पार्ट वो किया तो 178 टाइम में हमारा चला गया, जिसमें कि 15 रिमाइंडर बचा। ठीक है, या कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या फिर आप जो आपके पास साधन हो उससे कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, अब फिर से इसको 16 से डिवाइड करिए, 16 से करेंगे तो 16 1 जा 16 16 1 जा 16, 2 बचा। ओके, अब ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी 16 से कम है तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसा हम बाइनरी में करते थे तो तब तक करते रहते जब तक 2 या 2 से ऊपर था, वैसा हम ऑक्टल में कब तक करते थे, जब से 8 से ऊपर था, जब हमारी वैल्यू उस जो हम भाग दे रहे हैं उससे हमारा कम हो जाता है तो हम उस चीज को छोड़ देते। अब हमारा हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, पहले 11 फिर 2 फिर 15, तो हमारा इस पूर्णांक वैल्यू का जो ऑक्टल नंबर मिला है वो 11 2 15 हमने लिख लिया 11 2
15। अब चूंकि 11 टू 15 मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हमारे जो भी हेक्साडेसिमल होते हैं वो 9 के बाद उनका एबीसीडी के ऑर्डर में आता है, ठीक है। तो 9 के बाद हमारा 10 आता है ए, 11 आता है हमारा बी, तो 11 की जगह पे आप बी भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 ही रहेगा। 15 हमारा आता है एफ। टेबल मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जब हेक्साडेसिमल पढ़ा रहा था तो आपको उसमें पूरा मैंने टेबल के बारे में समझाया हुआ है। उस टेबल को आप देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि हम डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कैसे करेंगे, हेक्सा में कैसे करेंगे, ऑक्टल में वो वैल्यू का क्या मान होगा। तो आप इस नंबर को बी टू एफ भी लिख सकते हो। अब ये बी टू एफ हमारा हेक्साडेसिमल हो गया किसका, 2863 का, ठीक है। अब हम किसका यूज करेंगे, 0.225। 0.225 के लिए 0.225, अब इसका हमें निकालना है हेक्साडेसिमल, ठीक है। सिंपली ये हमारा हो गया ना क्लियर। अब हम यहाँ पे एक निकाल लेते हैं 0.225 × 16। 0.225 × 16 जब करेंगे तो 3.6 आएगा, कितना आएगा 3.6। अब ये जो 3 वैल्यू है ये हमारी बाहर लिख लेते हैं 3 वैल्यू को, ओके। 3.6 में इक्वल टू हमारा जो 3 वैल्यू होता है इसको हम बाहर लिख लेंगे। अब इस हमारा जो 0.6 बचा है 0.6 × 16, अब हमारा 16 × 6 = 96, 9.6। अब हमने इसको क्या किया कि जो हमारी वैल्यू होती है 9, हम इसको हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अभी हमने 3 लिखा था, 9 लिखा है, ठीक है। अब हम इसको ऊपर से नीचे, हम चूंकि दो ही स्थान तक चाहते हैं इसलिए हम आगे इसमें और भिन्न नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया 3 और 9, तब 3 9 हमने इसको लिख लिया, हमारा जो वैल्यू आ गया इसका 0.225 का हेक्सा में 0.39, ये हमारा हेक्सा वैल्यू हो गया। अगर हम इस हमारे ये इंटीजर वैल्यू को, पूर्णांक संख्या को और भिन्नांक संख्या का अगर हम ऑक्टल में निकालते हैं तो क्या आता है, बी टू एफ 0.39, बी टू एफ 0.39, ओके। कुल मिला के एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको कि 2863.225 ये हमारा डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को हमें हेक्सा में बदलना होता है, तो पहले तो हम इसको दो डिवाइड चेंज कर लेते हैं। पहला हमारा जो पूर्णांक संख्या होता है, दूसरा हमारा भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। वो तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारा 16 से कम ना आए। जो हमारा शेषफल बचता है उसको हम लोग दाएं साइड लिख लेते हैं, लास्ट में हम नीचे से लेके ऊपर तक उसको लिखते हैं, नीचे से ऊपर साइड में। तो हमने यहाँ पे किया हुआ है 16 से इसको डिवाइड कर 178, 15 रिमाइंडर बचा। फिर 16 से किया 11 टाइम गया, उसके बाद हमारा 2 रिमाइंडर बचा। 11 चूंकि छोटा है इसी वजह से 16 से, तो फिर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये। तो हमने 11 टू 15 यहाँ पे ये लिख लिया, ये हमारा ऑक्टल नंबर, ऑक्टल वैल्यू आ गया। ऑक्टल चूंकि 11 को हम लोग बी भी बोल सकते हैं और 15 को एफ भी बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग 11 टू 15 ये भी सही है और बी टू एफ ये भी सही है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में लिख लें तो अगला समझ जाएगा कि ये आपका कौन सा वैल्यू है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू निकल गया पूर्णांक संख्या का। अब हम 0.225 जो हमारा भिन्नांक संख्या उसका निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.225 × 16 = 3.600, ठीक है, 20 आगे होगा। तो हमारा क्या हो गया कि आपका ये जो पूर्णांक संख्या इसमें 3 आया है, हमने 3 को दाएं साइड लिख लिया नियम के हिसाब से दाएं ओर, ठीक है। उसके बाद हमारा 0.6 हो जाए, 0.6 को फिर से हमने मल्टीप्लाई किया 16 से तो 9.6 आया, नियम के मुताबिक इस संख्या को हमने दाएं तरफ लिख लिया, ठीक है।
ये हम तब तक करेंगे जब तक जीरो या हमारा इच्छित स्थान, तो हमारा इच्छित स्थान हमें दो पॉइंट तक ही करना है, ठीक है। तो अब ये 3 9 हमने ऊपर से इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब 3 और 9, तो ये हमारा हो गया 0.39। अब हम दोनों को जब इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो ये हमारा हो गया बी टू एफ इसका और 0.225 का 0.39। तो बी टू एफ 0.39 ये हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गई 2863.225 की। ओके, समझ में आ गया। इसी प्रकार आप किसी भी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ओके, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें अपनी कमेंट के थ्रू बताएं। और भी कोई प्रॉब्लम हो जैसे आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू चेंज करने की, आप कमेंट में अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।